तो फाइनली गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं काठमांडू जाने के लिए। एंड भाई साहब घर से जब निकलते हो ना भाई बहुत ही इमोशनल सीन हो जाता है। मम्मी की दुआएं और मम्मी के आशीर्वाद लिए और अपने सफ़र के लिए निकल गए। आई होप कि हमारा सफ़र एकदम अच्छे से जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो फाइनली टाइम टू लीव मैन, टाइम टू लीव बीरगंज। सो गाइज सीन यही हो गया यार, निकलते निकलते यार इमोशनल हो जाते हैं घर वाले। मेरा बस तो गाइज जाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे भी तो काम है, वहाँ पे भी काम हैंडल करने का। अब 3-4 दिन से दुकान बंद है भाई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा फिर, इसीलिए अब जाना पड़ रहा है मेरे को। अभी हवा को चीरते हुए निकलते जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली इधर तो भाई थोड़ा रेस ही जाएंगे हम लोग, लेकिन वहाँ से जब फर्पिंग चढ़ जाएंगे ना, फर्पिंग चढ़ने के बाद भैंसे के बाद आराम से जाना पड़ेगा। देख रहे हो यार औकात ज़्यादा लोड कर रखा है यार, ऐसे ऐसे अब देखो इतना रोड ख़राब होने के बाद भी इतना लोड रखा हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट होता है। माने कि ये तो खुद मतलब खुद का तो ले जाएगा ये सांस, जिसके ऊपर गिरेगा वो भी जाएगा। मत किया करो ऐसे यार, थोड़े से पैसे के चक्कर में किसी की जान मत लिया करो। सो गाइस अभी हमारे साथ एक सीन हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। एक्चुअली यार रोड इतना ख़राब था ना, बम ब्लास्ट हो गया, अभी तक बम दर्द कर रहा है। एंड जो बाइक का जो इंजन है बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो अभी उसी टाइम से उसका फैन चल रहा था। सो भैया यहाँ पर रुके हुए हैं एंड हियर इज आवर सेटअप। भाई बहुत ही भयंकर रोड है, पानी वगैरह पीते हैं। एंड थोड़ा डिस्प्ले जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो डिस्प्ले में थोड़ा पानी मारते हैं एंड उसके बाद से फिर यहाँ से निकलते हैं। हेयर इज आवर टिकरो भाई, ये भी बहुत प्यारी है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी है। एंड भैया यहाँ पे हैं। सो फाइनली गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली हम लोग टाइम पे भी पहुँचना है, तो फटाफट पहले यहाँ से निकलते हैं। एंड लुक एट आवर बाइक्स, सो लेट्स गो गाइस। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड गाइस द थिंग इज आप लोग सामने व्यू दे सकते हो, कितना प्यारा व्यू लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चीसो पानी एंड ये मेरा फेवरेट जगह है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं। एंड गाइस चेक दिस आउट व्यू मैन, वाओ व्हाट अ अमेजिंग व्यू गाइस। एंड हियर इज आवर डिग्रो, मेरे हाथ में मेरा बैग। सो पहले चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पे। तो गाइस चेक दिस आउट मैन, कोई मजे लिया ना लिया, हम लोग पूरा फुल मजे ले रहे हैं भाई, खाने का और पीछे व्यू का। सभी मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, सो गाइस आप लोगों का मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन हम लोगों को पूरा फुल मजा आ रहा है। एंड ये जो लाइंस है भैया का था, मेरा नहीं था। सो एनीवे पहले फटाफट अब खाते हैं एंड उसके बाद से यहाँ से निकलते हैं। एंड वंस अगेन मैन व्हाट अ व्यू एंड विथ टू बीस्ट, सो पहले खाते हैं फटाफट। सो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। एंड गाइस द थिंग इज भाई बहुत वहाँ का अच्छा खाना लगता है। एंड आप लोग सामने देख सकते हो क्या व्यू दिख रहा है। एंड अभी हम लोग देवराली क्रॉस कर रहे हैं। एंड गाइस लुक एट द सन, कितना प्यारा सन लग रहा है। एंड सामने व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं नीचे की तरफ, हुमाने जाएंगे, वहाँ पे भी ब्लॉग शूट करना है। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस अभी आप लोगों को कुछ दिखाना है, अभी हम लोग रुके हुए हैं एंड अभी आप लोगों को कुछ दिखाना है, बहुत ही सुंदर चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। एंड फाइनली भाई बहुत हालत ख़राब हो गया मेरे, पीछे बैठे बैठे ना भाई, एक तो रोड इतना ख़राब था ना भाई, क्या बोले, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब ही है फरपिन का एंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। बट गाइस द फाइनल थिंग इज़,
लुक एट गाइस, व्हाट अ व्यू मैन। एक तो पानी पहले से बहुत कम हो गया है, वरना पानी वहाँ ऊपर तक था। एंड आप लोग देख सकते हो व्यू बहुत सूख गया है पानी, तो क्या मस्त दिखता था। एंड वो देख रहे हो सामने वो जो खराब हो रखा है। एंड चेक दिस आउट मैन, बड़ा ब्यूटीफुल मैन, बड़ा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस मैन, ब्यूटीफुल वाटर। बट गाइस बारिश के मौसम में आने में बहुत मज़ा आएगा। सो दो तीन मंथ बाद तो बारिश का मौसम आ ही जाएगा, उस टाइम हम लोग आएंगे और फिर आपको देखेंगे कितना मस्त लगता है यहाँ का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। देख रहे हो वहाँ पे पूरा, वहाँ पे काठमांडू ही है। एंड चेक करो गाइस यहाँ पे भाई पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा माउंटेन्स है ना, समझ लो नेपाल पहाड़ों का शहर। माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये फ्रूटी वगैरह पीते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। एंड ये रहे अपने भाईजान, सब लोग पहुँच जाते हैं 5 घंटे में, हम लोग तय पहुँचेंगे 7 घंटे में, घूमते फिरते आ रहे हैं। बट गाइस कोई नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। सो आप लोग भी इंजॉय करना एंड इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारा प्यार देना। एंड अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से पीकर फ्रूटी। सो वंस अगेन चीयर्स बेबी, चीयर्स बेबी, लगे रहो भैया। तो फाइनली गाइस अभी इतने मुशक्कत करने के बाद, 5 घंटे इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं काठमांडू। एंड द थिंग इज गाइस यहाँ पे आने के बाद तो आपको ठंडा यार इतना लगेगा ना, हवा कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से निकल रही है पता भी नहीं चल रहा है। काठमांडू में तो और चेकिंग होता है, ऐसा लग रहा है कोई क्राइम करके निकल रहा है, वैसे चेकिंग करते हैं, स्पीड चेकिंग, ये चेकिंग, वो चेकिंग, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। अभी पहले घर पे फटाफट पहुँचते हैं, उसके बाद से ब्लॉग को एंड भी करना है। चेक दिस आउट मैन, चेक दिस आउट दिस ब्यूटीफुल मशीन, ओह माय गॉड। एंड आप लोग देख रहे हो अरे कुची पुची क्यूटी पाई, ये खूंखार। सो अभी फटाफट चलते हैं अंदर एंड हाथ देख लो। सो फाइनली अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं। एंड गाइज आप लोग तो हालत देख ही सकते हो भाई, बहुत ही हालत ख़राब हो गया गाइज वहाँ से आने में। सो एनीवे अभी जाते हैं फटाफट मुंह धोएंगे एंड उसके बाद से दीदी को बोलेंगे फ़ोन करके खाना के बनाने के लिए। ब्यूटी हेलो ब्यूटी, कैसे आए तू? पता है क्या, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना ये मेरे को देख के इतना भोखा था ना भाई, डर लग गया था। अभी 4-5 दिन हो गए तो सर पहचानने से मना कर रहा है, तेरे को मैंने बिस्किट खिलाया है भूल गया लगता है, इसको फिर से बिस्किट खिलाना पड़ेगा। एंड देख रहे ब्यूटी, ओ ब्यूटी कम यार, ब्यूटी कम यार। सही गाइज इस वीडियो के यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइज अब से वीडियो जो है एकदम रेगुलर आएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक करो यार, बढ़ाओ अपने को। एंड हेरी राव और आरम भाई सो कल से इस पर ब्लॉग आएंगे एंड यहाँ पे अपने डिग्रो डिग्रो पे ब्लॉग आएंगे। एंड अभी जो पापा का पूरा स्कूटर है वो बाहर गया हुआ है अरमान लेके, तो वो आएगा तो उसके बाद से उस पर ब्लॉग बनेगा। सो आपसे जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो बहुत ही तबाही होने वाली है। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस एंड साइनिंग ऑफ द नेपाल राइडर, लव यू ऑल गाइस।